हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ सोयाबीन के कोफ्ते। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज मैं शेयर करने वाली हूँ सोयाबीन के कोफ्ते, जो कि बहुत ही टेस्टी, यमी और स्पंजी बनता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने जो सोयाबीन का कोफ्ता बनाया है वो कैसा बना है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन के कोफ्ता बनाने के लिए हमने सोयाबीन को लिया है, टमाटर, प्याज, तेजपत्ता, लाल मिर्ची, लहसुन, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर 5 फोरन, बेकिंग सोडा, बेसन, तेल। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन को ले लिया है और इसमें अब हम पानी को डालेंगे। पानी को डाल के अब हम इसमें सोयाबीन को डाल देते हैं। अब हम इसे उबाल लेंगे और जब तक ये उबल रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक जार को ले लिया है और अब हम इसमें टमाटर को डाल देते हैं, प्याज, लहसुन। अब हम इसका ढक्कन बंद करके और इसका एक हम बारीक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। तो देखिए इधर सोयाबीन भी उबल चुका है। तो अब हम इसे पानी से अलग कर लेते हैं और इसे बिल्कुल निचोड़ लेंगे। इसका पानी बिल्कुल हम अलग कर लेंगे हाथ से, इसे निचोड़ के और हम सोयाबीन को अलग कर लेंगे और पानी को हम अलग कर देते हैं। तो देखिए इसी तरीके से सारे सोयाबीन का हम पानी अलग कर लेंगे। और अब हम एक जार लिए हैं और इसमें हम सोयाबीन का जो पानी है वो निकाल के और सोयाबीन को इसमें डाल के और इसे हम पीस लेते हैं। इसे हमें बिल्कुल दरदरा पीसना है। तो देखिए मैंने सोयाबीन को दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। तो अब हम एक बॉल को लिए हैं और बॉल में सबसे पहले हम सोयाबीन को निकालेंगे जिसे हमने पीस के तैयार किया है। तो सोयाबीन को हमने निकाल लिया है और अब हम इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, बेसन, इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इसे हम अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ये मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें बेकिंग सोडा को डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारा कुछ हमारा मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें तेल को डालेंगे और इसे भी हम हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये भी मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके बॉल्स बना लेते हैं। हाथ में हम तेल लगा लेंगे और इसके हम छोटे छोटे लोई की तरह इसे हम निकाल लेंगे और हाथ से हम इसे गोल गोल बनाएंगे। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से सारे बॉल्स को हम बना के तैयार कर लेते हैं। सोयाबीन का कोफ्ता बहुत ही स्पंजी बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसे आप जरूर ट्राई करें। ये बहुत जल्दी बनके तैयार भी हो जाता है। तो देखिए सारे बॉल्स हमने बना के तैयार कर लिया है। सारे बॉल्स हमारे हो चुके हैं तैयार। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने गैस पे एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है और अब हम इसमें तेल को डाल देते हैं। और अब तेल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। तो हम इसमें बॉल्स को डाल देते हैं। तो सारे बॉल्स को हम इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। लगातार हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। और अब हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए इसे हम अलट पलट करते हुए इसे हम फ्राई कर लिए हैं और ये हो चुका फ्राई। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो बाकी के बचे हुए बॉल्स को भी हम डाल देते हैं और सेम प्रोसेस से हम इसे भी फ्राई करके और निकाल लेंगे। तो सारे बॉल्स हमारे हो चुके हैं और अब हम इसे भी निकाल लिए हैं। वापस से हम गैस पे एक कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और अब हम इसमें तेल को डाल देते हैं। अभी तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें 5 फोरन को डाल देते हैं, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्ची और इन सभी को हम पहले भून लेंगे। तो देखिए ये सारा कुछ हमारा भून चुका है। तो अब हम इसमें प्याज को डाल देते हैं और इसे भी हम भून लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें भूनना है। तो देखिए प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो हमने जो पेस्ट तैयार किया था उसे डाल देते हैं और भून लेते हैं। मसाला को हम बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो देखिए ये मसाला भी हमारा भून चुका है। तो अब हम इसमें सूखा मसाला ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक और इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो देखिए मसाला हमारा मिक्स हो चुका है और अब हम इसे भून लेते हैं। तो देखिए
अब मसाला भी हमारा भुन चुका है, मसाला हमारा हो चुका है तैयार। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए पानी को हमने डाल दिया है और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मसाला और पानी हमारा दोनों हो चुका है मिक्स। तो अब हम इसमें एक उबाल आने तक छोड़ देते हैं। तो देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुकी है। तो अब हम इसमें जो बॉल्स को फ्राई किए थे उसे डाल देते हैं। सारे बॉल्स को हमने इसमें डाल दिया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। गैस को हमने ऑफ कर दिया है। तो अब हम सब्जी को ठंडा होने देते हैं। तो देखिए हमारा जो कोफ्ता है वो हो चुका है तैयार। तो ये बहुत ही स्पंजी और टेस्टी होता है। तो अगर आपको हमारा कोफ्ता बनाने का रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।